नमस्कार बच्चों बच्चों अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गंगा क्विस्ट में किस तरह से लॉग इन करके हमें क्विज अटेम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मेरे केस में ये गूगल क्रोम है और यहाँ पे एड्रेस बार में हम वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे जो कि है gangaquiz.com। तो ये gangaquiz.com हमने एड्रेस डाल के एंटर प्रेस कर दिया है। ये वेबसाइट ओपन हो गई। इंट्रोडक्शन वाला पेज क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे लॉग इन करना है। सारे ही बच्चे क्लास 6 से लेके 12 तक के स्कूल की तरफ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसलिए आपको लॉग इन पे क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप इसके बाद जाएंगे इंडिविजुअल पे, और इंडिविजुअल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मोबाइल नंबर फॉलोड बाय योर डेट ऑफ बर्थ है, उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने क्लास टीचर या फिर आप अपने CCA कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ इस केस में मोबाइल नंबर है 7054858292, ये मोबाइल नंबर है, और डेट ऑफ बर्थ है 0505-2009। तो ये ध्यान में रखना है कि भले ही डेट ऑफ बर्थ में आपके डे और मंथ में सिंगल डिजिट नंबर हो, लेकिन आपको उसको DD और MM फॉर्मेट में लिखना है। दैट मीन्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2009, तो 1 मई को आप 1 को 01 लिखेंगे, मई 5th मंथ होता है तो आप उसे 05 लिखेंगे, मतलब आप लिखेंगे 0105-2009। तो ये आपका ID हो गया। पासवर्ड है आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ इस केस में पासवर्ड हो जाएगा 0505-2009। अब आपको यहाँ नीचे कैप्चा लिखना है। तो कैप्चा केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जैसे भी लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये लॉगिन हो गया। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही आप अपनी क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट भी क्विज अटेम्प्ट करने के लिए क्लिक करते हैं तो पहले ही मैसेज आ जाएगा, फर्स्ट अपडेट योर प्रोफाइल। दैट मीन्स सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करने में एक तो आपको अपनी क्लास अपडेट करनी है। तो सपोज क्लास 6th है और आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम अपडेट करना है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन होगा। इसके बाद नीचे आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपकी स्टेट है जो कि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, सॉरी कानपुर नगर, और स्कूल आपका UDIS कोड पहले से पड़ा हुआ है। फिर आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे वो फील्ड्स जो मैंडेटरी हैं, जिनके आगे रेड कलर का एस्ट्रिक लिखा है, उसे आपको सबको अपडेट कर देना है। स्टेट है आपकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट है आपकी कानपुर नगर, और पिन कोड है आपका 208004। ये लिखने के बाद आप सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। ये आपका प्रोफाइल सबमिट हो गया। यहाँ लिख के भी आ गया है प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुली अपडेटेड। इसका मतलब है आप अपनी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट में लेट्स प्ले गंगा क्विज 2021 पे क्लिक करेंगे। आपको स्टार्टिंग में ये जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो आपको पढ़ लेनी है। यहाँ फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको रूल्स बताए जाएंगे राउंड 1 के, तो आप राउंड 1 के रूल पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब राउंड 1 कंप्लीट होगा तो आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाना है, और एक क्वेश्चन करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सपोज इसका आंसर हम सी टिक कर दे रहे हैं, और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस राउंड 1 के अटेम्प्ट करने हैं,
और राउंड वन क्वालिफाई करने के बाद फिर आप राउंड टू के लिए अपेयर हो पाएंगे। तो आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपडेट करनी है अपनी प्रोफाइल और कैसे क्विज अटेम्प्ट करनी है। ये पूरा करने के बाद आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप सक्सेसफुली अपनी ये क्विज कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, ऑल द वेरी बेस्ट।